दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, क्योंकि उनके दो मंत्री अभी जेल में हैं, जबकि वो खुद और संजय सिंह अभी हाल ही में जेल से बाहर आए हैं। ऐसे में इस पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मलिवाल ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार ने कथित तौर पर राज्यसभा सदस्य स्वाति मलिवाल को कई बार लात मारने के साथ साथ थप्पड़ भी मारे थे, और ऐसे में स्वाति मलिवाल के मदद के लिए चिल्लाने पर भी वो नहीं रुके थे। दिल्ली पुलिस द्वारा FIR में यह जानकारी दी गई है। इससे पूरे विवाद के बीच आम आदमी पार्टी विभव कुमार के साथ खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्वाति मलिवाल की राज्यसभा सदस्यता चली जाएगी। इस सवाल का जवाब जो है एक ही शब्द में है, और वो शब्द है नहीं। स्वाति मलिवाल की लड़ाई का असर उनकी राज्यसभा सदस्यता पर नहीं पड़ने वाला। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के नियमों के अनुसार एक सांसद को केवल दो ही परिस्थितियों में अयोग्य ठहराया जा सकता है। पहली परिस्थिति यह है कि वह सांसद स्वेच्छा से इस्तीफा दे दे, यानी खुद इस्तीफा दे दे, या कोई सांसद पार्टी के निर्देशों के विपरीत वोट करे या मत करे, विभाजन के दौरान अनुपस्थित रहता है, तो फिर वह अयोग्य ठहराया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भले ही आम आदमी पार्टी मलिवाल को पार्टी से निलंबित कर दे, फिर भी वह पार्टी की सांसद बनी रहेंगी। हालांकि सदन में वोटिंग के दौरान उन्हें आम आदमी पार्टी के निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी उन्हें निकाल देती है तो वह अपनी ही राज्यसभा की स्वतंत्र सांसद बनकर रह जाएंगी। जानकारी के मुताबिक वह किसी भी पार्टी के निर्देशों से बंधी नहीं रहेंगी। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, इसे साल 1985 में 92 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। इसके तहत सांसदों की अयोग्यता से जुड़ी तमाम पहलू आते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिसे यह लगता हो कि आम आदमी पार्टी अपनी सांसद को निलंबित करेगी या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। स्वाति मलिवाल उच्च सदन में केजरीवाल की पार्टी की सबसे नई सांसद है। उन्होंने इसी साल जनवरी में शपथ ली थी, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी और मलिवाल के बीच संबंध बिगड़ते हैं और उनके परिणाम स्वरूप उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, तो भी मलिवाल अपने शीर्ष कार्यकाल के दौरान किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हो सकती है। इसके लिए उन्हें पहले जो है सांसदी से इस्तीफा देना पड़ेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी के राज्यसभा सदस्य रीता ब्रज बनर्जी को हाल ही में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, लेकिन वह एक स्वतंत्र सांसद बनी रही। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट टाइम पॉलिटिकल बाइट।